हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेरी ए लीग के मैच के बारे में, जो गाइज खेला जाएगी यहाँ से जुवेंटस और रोमा के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो गाइज इस वीडियो में हम दोनों टीमों को रिसेंट फॉर्म और दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में जानेंगे, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए हैं और कितने असिस्ट किए हैं। और गाइज फिर बात करेंगे जब ये दोनों टीम आपस में खेल लेती हैं तो क्या रहता है इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड, और गाइज वो कौन से प्लेयर जो कंसिस्टेंट गोल कर देते हैं इन दोनों टीमों की तरफ से, और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन सिलेक्शन ही काफ़ी कम रहेगा और उन्हें आप अपनी समोर लीग टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो प्लेयर का रिकॉर्ड देखने के बाद। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ से जो सेरी ए लीग का जो पॉइंट टेबल है, उस पॉइंट टेबल पर इन दोनों टीमों की क्या रहती है पॉइंट स्टैंडिंग। तो देख लेते हैं यहाँ से पॉइंट टेबल को। तो गाइज फिलहाल हम आ चुके हैं पॉइंट टेबल पर। तो सबसे पहले बात करते हैं जो रोमा यहाँ से थर्ड पोजीशन पर है और जुवेंटस फोर्थ पोजीशन पर है। तो रोमा ने 20 मैच खेले हैं जिसमें से 12 मैच विन किए हैं, 4 मैच ड्रॉ खेले हैं, 4 मैच लॉस किए हैं, 44 गोल करें, 33 गोल कंसीड कर चुके हैं। तो गाइज इसने 20 मैच में 44 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो, जो इसका अटैक प्रत्येक मैच में 2.2 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। वहीं पे बात करते हैं इसने 20 मैच में 33 गोल कंसीड भी किए हैं, तो इसका जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में 1.6 गोल पर मैच स्कोर कंसीड करने का एवरेज रखता है। तो अटैक काफ़ी बेहतरीन लेकिन डिफेंस ने कहीं ना कहीं गोल कंसीड जरूर कर देता है। तो गाइज अब बात करते हैं जो जुवेंटस है, इसने 19 मैच खेले हैं जिसमें से 11 मैच विन, मतलब 11 मैच इसने ड्रॉ विन किए हैं, और इसने 6 मैच किए हैं ड्रॉ और 2 मैच किए हैं लॉस, और इसने 39 गोल करे हैं और 18 गोल कंसीड कर चुके हैं। तो गाइज इसने 19 मैच में 39 गोल स्कोर करना आप मान सकते हो, प्रत्येक मैच में 2 गोल पर मैच स्कोर कर ही देती है। वहीं पे बात करते हैं इसने 19 ही मैच में 18 ही गोल कंसीड किए, तो दिखता है इसको जो डिफेंस है प्रत्येक मैच में 1 गोल पर मैच स्कोर करने का एवरेज रखती है। तो अटैक में ये काफ़ी बेहतरीन है लेकिन डिफेंस में भी काफ़ी बेहतरीन है, तो यहाँ से जुवेंटस भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं इस मैच में। तो गाइज बात करते हैं अब जब ये दोनों टीम आपस में खेलती हैं तो इन दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहलाता है। तो गाइज इन दोनों टीमों ने अभी तक 5 हेड टू हेड मैच खेले हैं जिसमें से जो 2 मैच यहाँ जुवेंटस ने विन किए, 1 मैच ड्रॉ खेला, 2 मैच लॉस किए हैं, तो दोनों टीमों ने 50-50 है। वहीं पर बात करें 1.6 गोल पर मैच स्कोर किया और 1.8 गोल पर मैच कंसीड किया, तो दिखता है यहाँ से जो स्कोरिंग एवरेज और जो गोल कंसीडिंग एवरेज, दोनों टीम गोल करती भी हैं और गोल कंसीड भी हो जाते हैं इनके डिफेंस है। तो गाइज अब बात करते हैं जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में 2-2 से ड्रॉ हुआ था, उससे पिछले मुकाबले 3-1 से रोमा विन कर गई थी। फिर यहाँ से जुवेंटस ने 2 मैच विन किए हैं लेकिन दोनों टीमों, मतलब एक चीज़ कॉमन दिख रही होगी आपको कि दोनों टीमों की तरफ से गोल हुए भी हैं और गोल कंसीड भी किए गए हैं। तो गाइज अब बात करो उससे पिछले मुकाबले यहाँ से एक ही एक ऐसा मैच है जो रोमा ने 2-0 से क्लीन चीट से विन कर लिया था, बाकी सभी में यहाँ से दोनों टीमों ने गोल हुए, गोल कंसीड भी किए गए हैं और गोल कंसी मतलब अटैक से गोल हुए भी हैं। तो गाइज अब बात करते हैं जो जुवेंटस की जो रिसेंट फॉर्म है उसके बारे में। तो गाइज जुवेंटस ने पिछले 6 मैच में से 5 मैच विन किए हैं, 1 मैच किया लॉस, 2 गोल पर मैच स्कोर किया है जो कि इसका एवरेज है, लेकिन 1.05 पर मैच गोल कंसीड, तो डिफेंस में काफ़ी सुधार किया क्योंकि पॉइंट टेबल पर दिखा रहा था 0.9, तो अब दिखा रहा है प्रेजेंट टाइम में 0.5, तो देख सकते हो आप इसका जो रिसेंट फॉर्म है डिफेंसिंग का काफ़ी बेहतरीन चल रहा है। तो गाइज बात करें जो पिछला मैच अपना इंटर मिलान से खेल कर आ रही, इंटर मिलान काफ़ी बेहतरीन टीम है, उसको भी इसने 2-1 से मतलब विन कर लिया था, उससे पिछले मुकाबला 2-0 से विन, फिर 4-0 से विन, फिर 2-0 से विन, फिर 2-0 से विन, 4 मैच इसने कंसिस्टेंट मतलब क्लीन चिट के साथ रखे हैं, तो दिखता है इसको जो डिफेंस है कितना बेहतरीन है। लेकिन उससे पिछले मुकाबले यहाँ से 2-0 से लॉस किया था इसने इंटर मिलान से ही, तो कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पर इंटर मिलान को इसने वन साइडेड लॉस करा दिया था लेकिन फिर यहाँ से जुवेंटस वन साइडेड वन कर गई थी। तो फिलहाल इसने बैकअप किया जुवेंटस ने, दिखता है उसका डिफेंस और अटैक काफ़ी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है फिलहाल टाइम। तो जो रोमा है उसका जो रिसेंट फॉर्म है, पिछले 6 मैच में से इसने 3 मैच विन किए हैं जिसमें से 1 मैच ड्रॉ खेला, 2 मैच लॉस किए, 2.3 गोल पर मैच स्कोर किया, तो दिखता है इसका अटैक तो हमेशा काफ़ी बेहतरीन है लेकिन 2.3 गोल पर मैच कंसीड कर दिया गोल, तो इसका जो डिफेंसिंग है ना वो गोल कंसीड करने का हाई चांस रखते हैं। तो मान जो पॉइंट टेबल पर दिखा रहा था 1.6 और अब दिखा रहा है यहाँ से 2.3, तो इसका जो डिफेंस का जो एवरेज है वो गोल कंसीड करना ही तय है, उसका इसमें कोई क्लियर नहीं है। तो क्या जब बात करें जो पिछला मैच 3-1 से विन, 4-3 से यहाँ से विन कर गई थी लेकिन सपेजिया, जो कि सपेजिया तो मेरे हिसाब से इस पॉइंट टेबल सबसे निचली सतह की टीम है, उसके खिलाफ भी इसने 3 गोल कंसीड कर दिए, उससे पिछले मुकाबले फिर यहाँ से पेजिया, फिर यहाँ से 4-2 से, तो मान सकते हो कि इतनी कमजोर टीम के साथ भी ये गोल कंसीड कर रही है, तो इसका डिफेंस है वो कुछ खास अच्छा नहीं है। तो गाइस बात कर जुवेंटस के खिलाफ तो गोल कम से कम 1-2 गोल वैसे ही कंसीड कर देगी, तो बाकी सभी इसने 1-2 एक ड्रॉ खेला है और 1 लॉस किया है और इसने 1
मतलब विन किया है। तो गाइज इसका रिसेंट फॉर्म कुछ इस प्रकार है। लेकिन अब गाइज बात करते हैं इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर हैं, कितना गोल किए हैं और कितना असिस्ट किए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे जुवेंटस, फिर देखेंगे रोमा के प्लेयर्स के बारे में। तो यहाँ से सबसे पहले जुवेंटस के प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं कौन से प्लेयर हैं, कितना गोल किए और कितना असिस्ट किए हैं। तो गाइज जाहिर सी बात है कि जुवेंटस टीम की तरफ से हाईएस्ट गोल टेकर तो रोनाल्डो ही मिलेंगे, जिसने 15 गोल किए हैं और बाकी सभी चीज़ें ने 6 गोल किए, मोराटा ने 4 गोल किए। मैंने जब भी चीज़ों को अपनी टीम पिक किया पर्सनली विन कराया यार, जब भी क्या डिफरेंशियल चॉइस रहती है और इसने वन साइड विन कराता है। और यहाँ से वेस्टर्न है जिसने 3 गोल के बाकी सभी ने 1-2 गोल किए। आप स्क्रीन शॉट ले लेना, खुद की टीम बनाना काफ़ी आसान रहेगी। तो इस टीम तरफ से जो हाईएस्ट असिस्ट है कौन से प्लेयर ने किया उसके बारे में देख लेते हैं। गाइस जुवेंटस टीम तरफ से हाईएस्ट असिस्ट मोराटो है, 6 असिस्ट कर चुके हैं। और यहाँ जुआन है जिसने 5 असिस्ट किए, चीज़ें ने 4 असिस्ट किए, बाकी सभी ने 3-3, 2-2, 1-1 असिस्ट किया। आप स्क्रीन शॉट ले लेना, खुद की टीम बनाना काफ़ी आसानी रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लेना, आने वाली फुटबॉल की मैच की वीडियो ना इस यूट्यूब चैनल पर हम डालते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो रोमा है उसके प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितने गोल किए कितना असिस्ट किए उनके भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि एक बेहतरीन टीम बनाने के लिए आसानी रहेगी। तो रोमा की टीम तरफ से हाईएस्ट गोल यहाँ से आपको हैनरिक ने किए हैं 9 गोल, और यहाँ से जॉर्डन वेरेट आउट ने किए हैं 7 गोल, लेकिन 4 गोल किए पेनल्टी में। वेरेट आउट पेनल्टी लेता है इस टीम तरफ से। एडिन डिजको है जिसने 7 गोल किए, बाकी सभी ने आप स्क्रीन शॉट ले लेना। अटैकिंग टीम है, कोई भी आगे गोल कर सकता है, किसी पर एक बार आंख बंद कर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ भाई मेरे लिए यहाँ से यानी एडिन ही गोल करेगा, जॉर्डन ही करेगा, हैनरिक ही करेगा, देख सकते हो आप। यहाँ से मोयारल ने भी 6 गोल किए, बाकी सभी ने 1-1, 2-2, 3-3 गोल किए। तो काफ़ी अटैकिंग टीम है वैसे भी। तो इस टीम तरफ से जो हाईएस्ट असिस्ट है कौन से प्लेयर ने उसके बारे में देख लेते हैं। तो भाई इस टीम तरफ से हाईएस्ट असिस्ट अभी तक यहाँ से हैनरिक ने ही किए हैं, जो कि गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है कैप्टन और वाइस कैप्टन। अगर लगे कि आपको यहाँ से ये जुवेंटस गोल कंसीड करने देगी तो उस टाइम पर ही आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। लेकिन यहाँ से पेलेग्रिनी है जिसने 5 असिस्ट किया, और यहाँ से रिक ने 4 असिस्ट, बाकी सभी ने 1-2 असिस्ट किए। स्क्रीन शॉट ले लेना, खुद की टीम बनाना काफ़ी आसान रहेगी। तो गाइस मेरी बात करें इस टीम में जो प्रेडिक्शन है, मैं यहाँ से 2 गोल फॉर जुवेंटस, 1 गोल फॉर यहाँ से मैं रोमा को देने वाला हूँ, क्योंकि जुवेंटस की ये मैच होम ग्राउंड में है और यहाँ से रोमा अवे टीम होने वाली है। तो अटैकिंग वाइज तो रोमा काफ़ी बेहतरीन, आप मान सकते हो कि 2 गोल ये भी कर देते, लेकिन मुझे इसका डिफेंस पर मतलब विश्वास है, जो जुवेंटस का जो डिफेंस है उस पर विश्वास है, इसलिए मैं यहाँ से 2 गोल जुवेंटस, 1 गोल यहाँ से रोमा, और 2-0 और 1-0 को देखने को मिल सकता है। मुझे उम्मीद है, मेरा दिल कह रहा है कि यहाँ से आज जुवेंटस वन साइड विन करेगी, कम से कम 1-0 या 2-0 से। लेकिन मैं फिलहाल की प्रेडिक्शन रोए थे जो उसको दे रहा हूँ, मतलब एज कम्पेयर टू इन दोनों टीमों को प्रेडिक्शन मतलब एनालाइज करने के बाद। तो मैं अपनी फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करी जाएगी, यहाँ पर आपको टीम नहीं बना दूँगा क्योंकि टाइम काफ़ी कम है, मेरे हिसाब से लगभग 1 घंटा बचा है इस मैच को। लाइनअप आने वाली होगी, पता नहीं आप वीडियो देख रहे हो क्या कर रहे हो, डोंट केयर, बट मैं फाइनल टीम टेलीग्राम में, लेकिन टेलीग्राम लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जुड़ना ना भूलना।